हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में बात करेंगे। इसका दो प्रकार का नियम होता है, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। तो ये दोनों क्या क्या है, इसको एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। ठीक है, सो देखते हैं। पहला वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या बोलता है, स्टेट डेट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम जो है क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए ये वाला एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रहा है इसको देखिए। सो एक आपका ये कॉनिकल फ्लैक्स लिया गया है, कॉनिकल फ्लैक्स के अंदर में सोडियम सल्फेट भरा हुआ है, ये नीचे का जो है सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट भरा हुआ है। उसके बाद एक इग्निशन ट्यूब है, इग्निशन ट्यूब, उस ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है, ठीक है, CaCl2 ये भरा हुआ है। सो अब दोनों को क्या करना है, वजन कर लेना है, यानी कि बैलेंस में आपको देखने से यह क्या हुआ 300.23 ग्राम है। एंड आपने क्या किया, जो इग्निशन ट्यूब है उसको थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया, ये सेकंड वाला फिगर को देखिए, थोड़ा सा टिल्टेड करने के बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया। किसके बीच में, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हो गया। रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कैल्शियम सल्फेट फॉर्म हुआ। यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है, लेकिन ये नया चीज बन गया। अब इसको फिर से आप वजन करिए, तो जो ग्राम जो है आपको 300.23 ग्राम ही आपको दिखेगा, यहाँ पे भी जितना है वहां पे भी इतना ही, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन दोनों क्या है, उसका जो मास है सेम है, इसलिए बोला गया है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते यानी कि बना भी नहीं सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले जितना ग्राम आपने लिया था, आफ्टर द रिएक्शन आपको उतना ही ग्राम मिलने वाला है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास में लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन आपको होता है, और ये क्या बोलता है, इन ए केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफाइनेट प्रोपोर्शन बाय मास। सो एक केमिकल रिएक्शन होता है, या सॉरी एक केमिकल कंपाउंड होता है, यानी कंपाउंड जो है यौगिक जिसको हम बोलते हैं, कंपाउंड में एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड में तत्व प्रेजेंट होते हैं, हमेशा वो डिफाइनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं बाय मास, ओके, उसके वजन हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल, पानी का जो मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है H2O। सो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या है, आपको फॉर्मूला दिख रहा है H2O दिख रहा है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटॉम्स है, ठीक है, दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। जैसे हमको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर जो होता है, एटॉमिक मास है कितना है, इसका है 1। सो दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, दो ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन यानी कि 2 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, यही रेशियो चाहिए, यानी कि इतना ही ग्राम मेंटेन करने से ही आपको वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। अदरवाइज आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ते रहिए, आपको वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिलने वाला है। आपको वाटर मॉलिक्यूल के लिए क्या चाहिए, आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन होने से ही वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। सो इसको अगर हम छोटा कर देते हैं, तो ये कट देते हैं, तो 1:16 सॉरी 1:8, 16 को काट देंगे तो 8 आएगा, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम आपको क्या देना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एमोनिया है, एमोनिया कैसे है, एमोनिया में क्या क्या एलिमेंट है, एक है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटोमिक मास हमको पता है 14, और हाइड्रोजन का एटोमिक मास होता है 1, लेकिन इस मॉलिक्यूल में कितना है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसका 3 ग्राम। इसका मतलब है एक एमोनिया का मॉलिक्यूल बनने के लिए 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। सो इसको ही बोला जाता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, ओके, जो मास का जो रेशियो जो है हमेशा फिक्स रहना जरूरी है, ठीक है ना, हमेशा फिक्स रहेगा। सो इस प्रकार से आपको ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन आपको समझना है। आशा करता हूँ ये दोनों आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो दोनों नियम है आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। Thank you for watching. God bless you.